इंदौर मध्य प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बता दें कि राजधानी भोपाल समेत अन्य शहरों में नौतपा लगातार कहर बरपा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मानसून में देरी होने से फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। करीब 15 जून तक मानसून के आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गर्मी से हाल बेहाल होने वाला है। इस बीच राहत वाली बात यह है कि एमपी के पूर्वी हिस्से में जल्द ही प्री मानसून की एंट्री होने वाली है। बता दें कि एमपी के डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि भोपाल में 41.4, इंदौर में 38.8, जबलपुर में 40.6 तापमान दर्ज किया गया है। बता दें कि एमपी के ग्वालियर संभाग में भी नौतपा ने लोगों को परेशान कर दिया है। पिछले 6 दिनों से प्रदेश के 4 महानगरों में ग्वालियर सबसे ज्यादा गर्म रहा है। बता दें कि यहाँ का तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं यहाँ न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है।